बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशन की बात करेंगे कि डायमेंशन क्या है और ये ड्राइंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं डायमेंशन को डिफाइन करूँ तो ये साइजेस है कि आपने ड्राइंग बना ली है, अब उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आपने साइज देने हैं तो उसको हम डायमेंशन बोलते हैं कि डायमेंशन हम उसको दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दी है। अब इस रेक्टेंगल के साइज क्या क्या है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, ये इसको हम डायमेंशन बोलेंगे। तो डायमेंशन के लिए मैं एक ड्राइंग खोलता हूँ आपके एक्सरसाइज फाइल में, चैप्टर 12 के अंदर आपको ये पहली ड्राइंग जो बर्ड हाउस है इसको मैं ओपन करता हूँ। अब डायमेंशन जो है वो एनोटेट टैब के अंदर आपके पास डायमेंशन पैनल यहाँ पे मौजूद है। तो डायमेंशन से पहले आपने किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को डायमेंशन देने से पहले आपको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ये कम से कम एंड पॉइंट, मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है कम से कम एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट ये ऑन होने चाहिए ताकि आपकी एग्जैक्ट एक्यूरेट डायमेंशन लग सके। ले जी, मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन देने लगा हूँ तो मेरे पास डायमेंशन पैनल के अंदर यहाँ पे डायमेंशन का एक बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी सारी डायमेंशन टूल्स मेरे पास अवेलेबल है। इसमें लीनियर जो होगा वो सीधी सीधी डायमेंशन के लिए होगा। मैं इसको क्लिक करूंगा, कमांड एक्टिव होगी। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप इस पॉइंट के करीब लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट को पकड़ेगा, ठीक है। और आपने इधर क्लिक कर देना, फिर आपने अगले पॉइंट पे जाना है जहां जो अगला पॉइंट आपने लेना है। ये जैसे ही आप अगले पॉइंट को क्लिक करोगे तो वो दो तीर और इसी तरह वो डायमेंशन साइज जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा, जिसको जितना लंबा करना है, जितने करीब रखना है वो आप स्पेसिफाई करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डायमेंशन अब लग चुकी है। इसको डायमेंशन बोलते हैं साइज के, यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है उसकी बात हो रही है। इसी तरह हमारे पास और भी कुछ साइजेस की जो है वो डायमेंशन है। लेट्स सपोज मैं लीनियर या डायमेंशन लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी डायमेंशन आ गई जी 4.9497, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ऊंचाई में। इसी तरह अगर आपने इस बर्ड हाउस जो है, ये बर्ड हाउस बना हुआ है सारा, इसकी ये लंबाई लेनी है इसकी छत की, तो इसके लिए आपको लीनियर नहीं बल्कि अलाइन डायमेंशन जो है वो काम देगी। तो हर किस्म की डायमेंशन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिजाइन किए हुए ऑप्शन। तो अलाइन पे जब हम क्लिक करेंगे, तरीकेकार वही है, कमांड एक्टिव हो गई। आप फर्स्ट पॉइंट लेना है जहाँ पे पहला और फिर लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप जो है वो डायमेंशन लेना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपने इसका दे देना है हाइट की कितनी ऊंचा ये डायमेंशन रखे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये लीनियर और जो आपकी अलाइन डायमेंशन है उसमें फर्क है। ये आपकी छत से, छत के कोने से यहाँ तक का फासला है, ठीक है, ये ऊंचाई है, ये इस छत की लंबाई है। तो लीनियर और अलाइन में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब इसके साथ लीनियर और अलाइन के साथ हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है। यहाँ पे ये आपको नजर होगा आ रहा होगा कि कंटिन्यू और बेस लाइन। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक लीनियर डायमेंशन लगाता हूँ, ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ले लेता हूँ, तो ये 4.9496 है। अब ऑब्वियसली मुझे ये इस यहाँ से यहाँ तक का भी फासला लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो हर दफा कमांड एक्टिव करने के बजाय आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। कंटिन्यू क्या करेगा, ये लास्ट डायमेंशन को खुद खुद पकड़ लेगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। लेकिन मैं इसको स्केप करता हूँ, आप दोबारा मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये लास्ट डायमेंशन जहाँ पे खत्म की थी उसको उसने पकड़ लिया। पूछता है सेकंड पॉइंट बताओ, हम कहते हैं सेकंड पॉइंट ये है, देखिए उसने आगे पूछ रहा अगला पॉइंट बताओ, हम कहते हैं ये है, इसको कहते हैं कंटिन्यू। अगला पॉइंट देखिए ये हमारी डायमेंशन लग रही है, ठीक है। तो लास्ट पे जब आप इसको एंड करना चाहें तो इसको एंटर कर दें तो ये एंड हो जाएगा। अभी फिलहाल
we are in the continue dimension command. हम command के अंदर हैं, command से बाहर नहीं निकलेंगे. अब दोबारा अगर हम इसको continue करना चाह रहे हैं, तो हमें उस dimension पे click करके हम इसको continue करना चाह रहे हैं और ये और यहाँ तक आना, तो हम इस dimension को click करना. जैसे क्लिक करेंगे वो उसका ये पॉइंट जो है पकड़ लेगा. हम कहते हैं इससे यहाँ तक का फासला और यहाँ तक का फासला, देख रहे हैं. तो मैं इसको एंटर करता हूँ, वी आर स्टिल इन डायमेंशन कमांड. डायमेंशन कमांड के अंदर ये हमें इससे बाहर जाना, तो हमें स्केप की प्रेस करनी पड़ेगी, तो हम डायमेंशन कमांड से बाहर चले जाएंगे. तो ये था कंटिन्यूस डायमेंशन. हम बेस लाइन डायमेंशन की बात करेंगे. बेस लाइन जो है वो कैसे काम करेंगे, देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने एक लीनियर डायमेंशन लगा दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. अब जब आप बेस लाइन पे क्लिक करेंगे तो बेस लाइन जो क्या करेगी, बेस लाइन एक पॉइंट से अगले पॉइंट, फिर इस पॉइंट से अगले पॉइंट, फिर इस पॉइंट से, ये कंटिन्यूस थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. बेस पॉइंट क्या करेगी कि एक पॉइंट बेस होगा, यानी फिर ये देखे जरा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप मेरा नोट करें, मैं एंटर करता हूँ. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, ये है बेस लाइन डायमेंशन. इसे कहते हैं. अब यहाँ पे थोड़ी सी पिचीदगी सी आ गई है, ये कोर लाइन और एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे जब हम डायमेंशन को फॉर्मेट करेंगे. तो फिलहाल हमें लाइन डायमेंशन का पता चल गया है, हमें जो है वो बेस लाइन डायमेंशन का पता चल गया, हमें कंटिन्यूस डायमेंशन का पता चल गया और हमें लीनियर डायमेंशन का पता चल गया. मैं स्केप कमांड करता हूँ ताकि डायमेंशन से बाहर आ जाऊं. अब हम कुछ और कमांड्स देखिए, मैं एंगुलर इस लाइन का एंगल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डायमेंशन के अंदर यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन की एक कमांड मिलेगी. आपने इसको क्लिक करना, अब मेरे पास जो है वो ये जो कमांड एक्टिव हो चुकी है. अब वो कहता है सिलेक्ट आर सर्कल लाइन और स्पेसिफिक वर्टेक्स. वर्टेक्स यानी दो पॉइंट आपने देने हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं. हम कहते हैं ये और ये, जैसे आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट को, वो ऑटोमेटिकली उसका जो जाविया है, उसका जो एंगल है, वो आपको स्पेसिफाई कर देगा. एरो भी साथ में लगा देगा जो हमें ये बताएंगी कि इस लाइन और इस लाइन का दरमियानी जाविया जो है 115 डिग्री है. हाँ जी, समझ लग रही है आपको. उसके बाद हम देखेंगे कि रेडियस और डायमीटर को देख लेते हैं. देखिए जी, ये रेडियस है, ये रेडियस बताएगा. लेट्स सपोज मैंने कमांड एक्टिव की, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, और रेडियस या आर्क का होगा या सर्कल का होगा, तो हमारे पास ये सर्कल है, हम इस पर क्लिक करते हैं. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है वो रेडियस डिमेंशन 0.05 जो होगी वो उसको देंगे. रेडियस के साथ वो आर का डिजिट जो है, आर का जो है करेक्टर है वो डालेगा. ये इसको लिखने का तरीका. इसी तरह जब रेडियस आपको पता है कि दरमियान से लेकर एक एंड तक का फासला होता है, इसी तरह इफ यू वांट टू टेक द डायमीटर देन यू हैव टू यूज दिस ऑप्शन. इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं जूम करके इस सर्कल का डायमीटर लेता हूँ, तो ये इस सर्कल का डायमीटर आ जाएगा, ये 0.25, और डायमीटर के साथ ये सिंबल शो करेगा. ये इन दोनों में फर्क है डायमेंशन में. तो हमें डायमीटर का पता चल गया है, हमें लीनियर का, अलाइंड का और रेडियस का, और हमें डायमीटर का भी पता चल गया. हम आर्क लेंथ को जरा देख लेते हैं कि आर्क की लेंथ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक आर्क लगाता हूँ, ये मेरे पास आर्क टूल है, मैं स्टार्ट सेंटर और एंड ले लेता हूँ. लेट्स सपोज ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा सेंटर है और ये मेरा एंड है, ये मेरी आर्क लग गई है. इसको मैं उसकी डायमेंशन पे ले जाता हूँ ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो. हाउस डायमेंशन देखिए, और उस लेयर पे मैं इसको ले गया. अब मैं इस आर्क का जो है वो लेंथ फाइंड करना है. लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, बिल्कुल समझ रहे हैं ना. और जो इसका एंगल होता है, रेडियस होता है, वो और चीज है, लेंथ जो है वो और चीज है, ये जरा ध्यान में रखना है हमें. तो मैं AutoCAD के अंदर चला गया, AutoCAD में मैंने डायमेंशन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लेंथ आर्क पे क्लिक कर, अब जरा आर्क उसको टच करे, हम कहते हैं ये
तो ये इसने इसकी लेंथ बता दे रहे हैं, तो ये है, ये आर्क का सिंबल है लेंथ का, इज इट ओके। तो ये आर्क लेंथ भी हमें लगानी आ गई, इसकी भी डायमेंशन लगानी आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, अब तक ये डायमेंशन हमने सीखी है, हमने एक तो लीनियर डायमेंशन देना सीखी, अलाइंड डायमेंशन देना सीखी, हमने एंगुलर डायमेंशन देना सीखी, हमने रेडियस और डायमीटर देना सीख लिया, हमने आर्क लेंथ लगाना सीख ली, और हमने यहाँ पे बेस लाइन और कंटिन्यूस डायमेंशन को भी डिस्कस कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे डायमेंशन स्टाइल्स को, कि डायमेंशन स्टाइल क्या है और वो कैसे जो है वो लगाते हैं। आपने ये अभी डायमेंशन लगाई है, आपने देखा होगा कि ये एरोस, ये जो डायमेंशन जो आपने यूनिट है उसको लिखने का तरीका, ये प्रिसीजन, इनके स्टाइल्स, इनके फोर्स स्टाइल्स, ये सारे डायमेंशन स्टाइल्स के जिम्मे में आते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइंग खोलता हूँ डायमेंशन स्टाइल की, उसके फिर हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर 12 में डायमेंशन स्टाइल, ये 2 नंबर ड्राइंग आपके पास मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ डायमेंशंस लगी हुई है, हम इनकी स्टाइल्स अब तब्दील करते हैं। स्टाइल्स क्या है कि इनकी फॉर्मेटिंग ही है, कि आपने एरो का साइन बड़ा करना है, एक एरो करना है, और चलिए हम इसको करके देखते हैं ताकि हमें अंदाजा लगे जुबानी कला में ये बातें जो है वो समझ आने वाली नहीं है। चलिए जी, आपने करना क्या है, एनोटेट टैब के अंदर आपको यहाँ पे डायमेंशन और एक आपको यहाँ पे टूल नजर आएगा, ये डायलॉग बॉक्स, या ये आपके टूल इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा ये डायमेंशन स्टाइल प्रीव्यू दिखाया है, जो अभी डायमेंशन स्टाइल एक स्टैंडर्ड, सिर्फ एक स्टाइल हमने डिफाइन किया है इस ड्राइंग में। जितने भी डायमेंशन स्टाइल आपने इसके अंदर रखने हैं, खास करें एक ऑब्जेक्ट को आपने अलग डायमेंशन स्टाइल दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पर ये इस वाले को अलग डायमेंशन है, इसको वाले को अलग डायमेंशन है, तो आपने जितने भी जो स्टाइल डिफाइन करने हैं सारे स्टाइल इधर आ जाएंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टाइल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ही डायमेंशन स्टाइल इसी पे लेता हूँ, और इसको यहाँ पे वो आ जाएंगे इनके नाम, और यहाँ पे प्रीव्यू आएगा जो अभी मुझे डायमेंशन नजर आ रहा, जो स्टाइल मुझे नजर आ रहा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स है, इसमें सेट करें न्यू, मॉडिफाई, न्यू का नया जो एक डिजाइन डिफाइन करने के लिए, और मॉडिफाई होता है इस डिजाइन को तब्दील करने के लिए, ठीक है। अभी मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें ये लाइन, सिंबल, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट, टॉलरेंस, दीज आर द नंबर ऑफ जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखिए, मेरा मैं थोड़ा सा आपको चेक करता हूँ, कलर डायमेंशन लाइन का आई वांट टू टेक रेड, देखिए रेड हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ लाइन टाइम जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, लाइन वेट भी ना ये होना चाहिए, ठीक है बेटा, दीज आर द डायमेंशन स्टाइल्स, ठीक है। तो ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक, देखिए ये ना यहाँ पे डिम लाइन 1, डिम लाइन 2, देखिए अब ये डिफरेंस क्या आता है। डिम लाइन 9 करेंगे तो सिर्फ एक लाइन यहाँ पे शो हो रही, एक ऑफ हो रही, ये है स्टाइल्स जो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक बोले। डिम लाइन 2 दोनों चलेगी, ठीक है, दोनों को चेक ऑफ करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, तो ये है स्टाइल्स। अब ये एक्सटेंशन लाइंस है, एक्सटेंशन लाइंस आते हैं इनको, ये जो ये हम कहते हैं इनका कलर जो है ना वो येलो हो जाए, वो येलो, ठीक है, हम कहते हैं नहीं कलर जो है ब्लू हो जाए तो ब्लू हो जाए। तो ये वो जो है वो डायमेंशन स्टाइल्स की ऑप्शन है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिंबल एंड एरो, अब देखिए फर्स्ट क्लोज फील्ड और ये डॉट, ये देखिए डॉट आ रहे, ठीक है, इस तरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो आप कर ले, इसमें कोई परेशानी में लगा। सेकंड जो है वो क्लोज आ गए, एक डॉट आ जाएगा दूसरा क्लोज आ जाएगा, तो
ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये तब्दील, लीडर जो है, लीडर को हम कहते हैं वो जी ओपन है, ठीक है, लीडर ये होगा, ये लाइन जो ये, ठीक है, इसको लीडर बोलते हैं, ठीक है। अब एरो साइज पर अगर 18 है ना, हम कहते हैं नहीं ये 12 होना चाहिए, तो एरो साइज आपको यहाँ पे बड़ा हो जाए, 5-18 था ना, आप ये एरो ही एरो ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, 0.18, ठीक है, तो ये छोटा है, छोटा है, ठीक है, 0.30 साइज करेगा तो 0.30, तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़े हो गया ना थोड़ा सा, उसका स्टाइल कौन सा देना है आपने, इसको कलर कौन सा कलर लगाया है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये जी मैजेंटा कलर है, मैजेंटा है, तो ये सारी स्टाइल्स है जो आपने डायमेंशंस में देने हैं, ठीक है। अब मैं इसको फर्स्ट करें, बाकी मैं अभी ऑप्शंस में नहीं जाता, तो मैं इसको एक दफा ओके करता हूँ और फिर इसको क्लोज जब करूँगा तो मेरी ये सारी डायमेंशंस जो है उनका स्टाइल तब्दील हो गया, ये स्टाइल मैंने वहाँ पे फिक्स किया था, ठीक है। इसमें और काफ़ी सारी ऑप्शन है जो कि जो है वो डिस्कसेबल है, लेकिन उस पर आप ट्राई करोगे तो आपको इसका इमेज फॉरन इसका प्रीव्यू दिखाई देगा कि ये अच्छा ये, ठीक है, तो इसको हम दोबारा डायमेंशन स्टाइल में चले जाते हैं। अब एक नया डायमेंशन स्टाइल एक्सपोज मेक अ न्यू डायमेंशन स्टाइल, एक तो स्टैंडर्ड अभी चल रहा है जो हमने अभी बनाया, हम एक नया स्टाइल देते हैं, न्यू स्टाइल का नाम हम दे देते हैं, फर्स्ट करें हम कहते हैं एक्स और स्टार विद स्टैंडर्ड, चलो स्टैंडर्ड के साथ और ऑल डायमेंशन लीनियर डायमेंशन कौन सी, हम कहते हैं सारी डायमेंशन यार कंटिन्यू, ये ले आ, ठीक है, मगर पिछली की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी इसने ले ली है, स्टार विद स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि पिछली हम इसमें तब्दील करते हैं, हम कहते हैं यार ये येलो हो जाए, ये भी येलो हो जाते हैं और टेक्स्ट जो है सिंगल और फिर प्राइमरी यूनिट्स और टेक्स्ट के लिए येलो है, येलो येलो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब दो स्टाइल मेरे पास है, एक स्टैंडर्ड एक है एक एक्स, अब मैं स्टैंडर्ड जो एक्स एक्स का स्टाइल है जिसको नाम दिया उसको मैं करंट सेट करंट कर देता हूँ, सेट करंट आ गया और कवर करता हूँ तो मेरा ये एक मिनट है यहाँ पे एक्स को सेट करंट करेंगे, हाँ जी, आप अगर आप इसमें कोई डायमेंशन लगाते हैं लेट्स सपोज के हम इसमें कोई लीनियर डायमेंशन ये यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो वो सेट करंट जो ऑलरेडी सेट किया हुआ करंट वो लगेगा, ठीक है। तो ये है जी डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करना और नया बनाना और सेट कर करंट करना। स्टूडेंट्स आज हम डायमेंशन पैनल के अंदर कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक की एक ऑप्शन है, एडजस्ट स्पेस की एक ऑप्शन है, क्विक डायमेंशन की ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट है, अपडेट है और डायमेंशन जॉग लाइन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रेक की ऑप्शन है, ब्रेक कुछ इस किस्म की सिचुएशन में इस्तेमाल होगी तो जब फर्ज करिए आपकी डायमेंशन, यहाँ पे मैं एक डायमेंशन देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने यहाँ पे डायमेंशन लगा दी है, आपको पता चल रहा है कि ये डायमेंशन जो है ये यहाँ पे कुछ लाइनों को काट रही है, तो अगर आपने इनको ब्रेक करना है तो फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं लाइनों को, आप इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ब्रेक कमांड की एक्टिव करके और एंटर करते हैं तो आपकी ये जो डायमेंशन है यहाँ से जहाँ जहाँ से वो लाइन को काट रही होगी वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अभी ये डायमेंशन जो ये ब्रेक नहीं है, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक कमांड को एक्टिव करके इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे
तो ये यहाँ पे ब्रेक लगा दी, तो ये थी ब्रेक की ऑप्शन। अब यहाँ पे हम एडजस्ट स्पेस की बात करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशन जो लगी हुई है और हम इनकी स्पेस एडजस्ट करना चाहते हैं, एक जैसी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करते हैं, वो कहेगा सेलेक्ट द बेस लाइन। तो हमने यहाँ पे बेस डायमेंशन जो है जिन जिन को हमने सेट करना है उनको सबको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो वो दो चीज़ें पूछेगा, या तो वो ऑटो इनको एक दूसरे के साथ जोड़ देगा, या फिर अगर आप वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू के हिसाब से इनकी स्पेस को एडजस्ट कर दे। फर्स्ट करें हम 2 ईयर जो है वो वैल्यू देते हैं और जैसे ही आप एंटर करेंगे वो उसी हिसाब से जो है वो डायमेंशन को एडजस्ट कर देगा। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक क्विक डायमेंशन की ऑप्शन है। क्विक डायमेंशन ये होती है कि एक तरह तो आप डायमेंशन लेते हैं लीनियर, अलाइंड, एंगुलर। क्विक डायमेंशन क्या करेगी कि आप इसको क्लिक करोगे तो जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे तो वो उसकी डायमेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर देगी। ये देखिए जरा, अगर आप सर्कल जो है सर्कल को लेते हैं तो वो उसको उसका जो है वो रेडियस लगा देगी। लेट्स सपोज के यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है तो हम इसकी क्विक डायमेंशन जैसे ही सर्कल जो है सिलेक्ट करेंगे तो वो इसकी जो है वो खुद खुद डायमेंशन जो है वो क्रिएट कर देगी। तो बजाय के हम यहाँ से टूल्स इस्तेमाल करें हम क्विक डायमेंशन से भी ये काम कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास इंस्पेक्ट की एक ऑप्शन है। जब डायमेंशन लगा दी जाती है तो लास्ट पे इनको चेक किया जाता है कि ये साइजेस बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो अगर आपके साइजेस एक्यूरेट हो तो आप इन डायमेंशन के ऊपर इंस्पेक्ट की कमांड इस्तेमाल करते हुए इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स एंगुलर को या राउंड को या कुछ भी नहीं, मतलब कोई कौन सी शेप आप इसको इंस्पेक्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये 100% ठीक है। हम कहते हैं 100%, अगर 50 है तो यहाँ पे 50 ऐड नहीं कर देगा, ठीक है, ताकि 50% यानी उसमें जो है ना 50% डाउन। तो हम यहाँ पे इसको 100% में करके ओके करते हैं। सॉरी, यहाँ पे पहले आपको जो है वो सिलेक्ट करना है क्विक डायमेंशन इंस्पेक्ट में चले गए और यहाँ पे हम सेलेक्ट डायमेंशन करेंगे जिस डायमेंशन को हमने सिलेक्ट करा। फर्स्ट करें ये हमारे 100% ओके, हम इसको सिलेक्ट कर लिया। हम एंटर करते हैं, हम डायलॉग बॉक्स पे वापस आ गए। हम यहाँ पे ओके कर दें, जैसे आप ओके करेंगे तो आप इस डायमेंशन के साथ एक सर्कल सा बन जाएगा और वो 100% जो है वो डायमेंशन आपकी ओके आपने चेक कर लिए। इसी तरह अगर आप इस पर कोई एंगुलर शेप में इसको करना चाहें, आप कहते हैं नहीं ये इसमें 50% ओके है, बाकी अभी इसमें कोई कसर है, तो आप जैसे सिलेक्ट करें डायमेंशन सिलेक्ट कर ली फिर एंटर और फिर ओके करेंगे तो ये इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में वो आपको डायमेंशन का इंस्पेक्शन जो है वो लिख देगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अपडेट की। अपडेट असल में क्या है कि अगर आपने एक डायमेंशन को तब्दील किया है, ऑब्जेक्ट को तब्दील किया है, डायमेंशन आप पहले उसकी लगा चुके हैं तो आप उसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप उसके बाद डायमेंशन को क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो डायमेंशन जो आपने ऑब्जेक्ट तब्दील किया होगा उसी के मुताबिक वो सेट हो जाएगा। डायमेंशन जॉब लाइन तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये लहर की सूरत में लाइन होती है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं सिलेक्ट डायमेंशन टू एड जॉब, इसको लगाना है जी, हम कहते हैं जी इसको, ठीक है, हमें कह रहा है किस जगह पे लगाना है इसको, तो जो भी जगह आपको मुनासिब लगे वहां पे आप क्लिक कर देंगे तो वो उस डायमेंशन को जॉब बना देगा। जी, अब हम डायमेंशन पैनल के अंदर कुछ और कमांड्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन पैनल पे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और कमांड्स है। रीएसोसिएट ये होता है कि एक डायमेंशन आपकी लगी हुई है, आप इसको किसी और चीज के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हो, वो कैसे,
यहाँ पे देखे फर्स्ट करें कि ये मेरी एक डायमेंशन लगी हुई है यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये इधर नहीं बल्कि इधर ये डायमेंशन लगनी चाहिए, तो हम इसी तरह इसको रीएसोसिएट कर देंगे। क्लिक हमने किया, उसने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं ये डायमेंशन जो है, और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे सिलेक्शन के बाद, उसके बाद दो पॉइंट आपने चुनने हैं, ये और ये, तो वो जो डायमेंशन इधर लगी हुई थी यहाँ पे आ गई है, इसकी डायमेंशन बन गई। इसको कहते हैं रीएसोसिएट करना, ठीक है, एसोसिएट करना का शामिल करना किसी दूसरी चीज के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ये होती है कि आप प्लस माइनस किसी भी कोई डायमेंशन है, फर्ज करें आपकी 10 मिलीमीटर की डायमेंशन है, तो बार बार ऐसा होता है कि 1 मिलीमीटर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो जो ज्यादा कम होगा ना प्लस माइनस वन, उसको हम बोलेंगे कॉन्वर्स। कि ऑब्जेक्ट जो है अगर 1 मिलीमीटर ज्यादा ही बन जाता है तो कोई नहीं, कम भी बन जाता है तो कोई नहीं, ये हर केस में नहीं होता, ये स्पेशल केसेस में होता है। तो कॉन्वर्स भी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है 4.42 इसकी जो है वो डायमीटर है, तो हम इसके साथ कॉन्वर्स भी साथ लगा सकते हैं अगर इसमें टॉलरेंस होगी तो। तो यहाँ पे आप सिंबल सिलेक्ट करेंगे, ये सारे जो सिंबल्स हैं जो आपके जो है वो मुख्य ऑब्जेक्ट के साथ लग सकते हैं, ये एंगल के लिए है, ये सर्कल के लिए है, तो बाकी जो टूल्स है इसको आप F1 प्रेस करें और आपको ये सारे टूल्स जो है वो हेल्प में दिखाई देंगे कि हर टूल का क्या नाम है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायमीटर आएगा, डायमीटर में मैं कहता हूँ कि 0.02 जो है वो इसकी टॉलरेंस है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। आपके जो माउस के साथ एक छोटे सा रेक्टेंगल बन गई है डबल, इसको आप मतलब इसके साथ यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा, लेकिन शो कर रहा है कि असल में डायमीटर ये है, लेकिन 0.02 इसके डायमीटर में टॉलरेंस भी मौजूद है। तो इस तरह आप टॉलरेंस जो है वो भी हिसाब में लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे सेंटर मार्क, सेंटर मार्क असल में क्या होता है कि ये आपके सेंटर में मार्क लग जाएगा। फर्ज करें हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो इस सर्कल के सेंटर में हम मार्क लेना चाहते हैं, तो हमें जो डायमेंशन एनोटेट टैब में डायमेंशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सेंटर मार्क क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आर्क या सर्कल को सेंटर मार्क होता है, ये तो कंफर्म है, तो ये इसके सेंटर में एक मार्क लगा दे या एक निशान लगा दे, ठीक है जी। अब इसी तरह ये है आपका ऑब्लीक के एक्सटेंशन को, अगर आपने ऑब्लीक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑब्लीक का मतलब क्या है कि एंगल पे करना है, लेट्स सपोज कि ये डायमेंशन है तो हम इसको ऑब्लीक करते हैं, ऑब्लीक उसके बाद पूछा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हमने एंटर किया, उसके बाद उसने पूछा कि एंगल कौन सा दे रहा है ऑब्लीक, हम कहते हैं ये चलेगी 45 डिग्री का ये जो एंगल है इस पर ऑब्लीक हो जाए, तो जैसे आप एंटर करेंगे आपकी ये जो लाइंस है वो 45 पे जो है वो तब्दील हो जाएगी। इसी तरह आप टेक्स्ट को भी ऑब्लीक कर सकते हैं, मैं इसको क्लिक किया, वो कह रहा है डायमेंशन सिलेक्ट करो, मैं कहता हूँ ये है, अब इसका जो टेक्स्ट होगा वो भी 45 पे, हम कहते हैं ये भी 45 पे ऑब्लीक हो जाए, तो ये भी 45 पे इसी तरह जो है वो घूम जाएगा। अब इसी तरह आगे आप टेक्स्ट की पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट शो के ये लेफ्ट जस्टिफाई है, आपने इसको क्लिक किया तो इसका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे लग जाएगा, तो हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखें लेफ्ट साइड पे जो आ गया, और इसी तरह आप इसको सेंटर पे कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, इसी तरह आप इसको जो है वो राइट पे लगा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें तो ये राइट पे लग जाएगा, तो ये टेक्स्ट की पोजीशन आपने यहाँ से सेट कर ली थी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ये जॉब की, ये असल में आर्क या जो आपका सर्कल है उसकी डायमेंशन बताएगा, जॉब डायमेंशन उस रूप में होती है जब आपको सेंटर जो है वो नोन ना हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपके पास ये एक आर्क लगी हुई है, इनके सेंटर फाइंड करने हैं तो आप जॉब लगा के इनके सेंटर जो है वो फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे पहले आपने आर्क को सिलेक्ट करना है, कमांड को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लेना है, फिर आपके आर्क में ये जो है
वो आर्क आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है जहाँ पे आपको ये मुनासिब लगे, तो ये यहाँ पे ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर वो जॉब पोजिशन पूछेगा किस तरह रखनी है, अगर इस तरह करेंगे तो ये आपको जो है इस तरह ये इसकी डायमेंशन बता देंगे। स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन में आज हम डायमेंशंस को प्रॉपरली रीसाइज करना सीखेंगे कि वो डायमेंशन लगाएंगे जो हमें हमारे प्रिंट में नज़र आए। तो इसमें भी स्केल फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग खुली हुई है, ये ड्राइंग, और यहाँ पे ये एक डायमेंशन छोटी सी लगी भी हुई है। मैं यहाँ पे डायमेंशन लगाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से लेकर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस फाइंड करके यहाँ पे डायमेंशन लगाता हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा जब तक कि मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम नहीं करूँगा। तो ये सिचुएशन जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो ये सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह ही दिखाई देगी। यहाँ पर मैं व्यू पोर्ट क्रिएट करता हूँ, व्यू पोर्ट क्रिएट करके मैं यहाँ पे ये मेरे पास देखें, यहाँ पे ये डायमेंशंस जो है नजर नहीं आ रही। आप जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये नजर नहीं आ रही आएगी। तो इसको प्रॉपरली रिसाइज करने के लिए हम जो है स्केल फैक्टर का यूज करेंगे और डायमेंशन स्टाइल जो है उसमें जाके इसको तब्दील करेंगे। तो वो होगा कैसे, फर्स्ट करें मैं अब इसकी व्यू पॉइंट स्केल थोड़ी सी तब्दील करता हूँ। फर्स्ट करें कि हम इसको करने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई स्केल ले लेते हैं ये, और हम ये चले लेट्स सपोज कि हम ये स्केल इसका लेते हैं और हम डबल क्लिक करते हैं ड्राइंग के अंदर और थोड़ा सा पैन करके इस पार्किंग एरिया को प्रिंट हम निकालने लगे। ठीक है, इस पार्किंग एरिया का, तो ये 1/30 जो है वो इसकी स्केल जो है वो हम अब निकालेंगे। तो हमें पता है कि अगर डेसिमल में हो तो 30 स्केल फैक्टर होता है इसका। अब 1/30 का 30 स्केल फैक्टर होगा। तो अब हम अगर इस डायमेंशन को यहाँ पे लगाएंगे मॉडल स्पेस के अंदर, तो डायमेंशन हमारी लगी हुई है। हमने करना क्या है, हमने डायमेंशन स्टाइल्स जो है उसमें चला जाना है। होम टैब के अंदर आपको एनोटेशन ग्रुप जो है इसके अंदर यहां पे आपको डायमेंशन स्टाइल मिलेगा। ठीक है, या आप एनोटेट टैब में चले जाएं और यहां पे डायमेंशन, और यहां पे आपको डायमेंशन स्टाइल का डायलॉग बॉक्स मिलेगा ये इस तरह का। अभी जो करंट डायमेंशन है वो हमारे इस नाम से है और ये उसका स्टाइल है, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फिट टैब के अंदर आपने जाना है। काफी सारे डायमेंशंस के टैब है, आपने फिट टैब के अंदर जाना है और यहां पे आपने ओवरऑल स्केल जो ड्राइंग आप जिस स्केल में निकालना चाह रहे हैं वो स्केल फैक्टर आप यहां पे जो है वो एंटर कर देंगे। तो हमारा जो हमारे केस में 30 स्केल फैक्टर है तो हम 30 यहां पे लगा देंगे। अब हमने अपनी डायमेंशंस को प्रॉपरली साइज कर लिया है प्रिंट निकालने के लिए। अब हम ओके करेंगे तो हमारी डायमेंशंस जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप नोट कर सकते हैं, पेपर स्पेस पे जाएं, यहां पे भी आपको डायमेंशन जो है वो अब नजर आना शुरू हो गई है। यानी आप जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये आपको डायमेंशन नजर आएगी। तो प्रॉपरली रीसाइज करने के लिए डायमेंशंस को आपको डायमेंशन स्टाइल में जाना पड़ेगा, मॉडिफाई में, फिट टैब में, फिट के अंदर आप यहां पे स्केल फैक्टर दे दोगे, वो स्केल फैक्टर जो के जिसके जरिए से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, और इसको ओके कर देंगे तो वो हमारी डायमेंशन जो है वो प्रॉपरली साइज में आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन में हम लाइन टाइप को डिस्कस करेंगे कि लाइन टाइप जो होती है हिडन लाइन, सेंटर लाइन, ये लाइंस जो है जब आप प्रिंट निकालेंगे तो उस वक्त जो है वो आपको नजर आए, प्रॉपरली पता चले कि ये हिडन लाइन है, ये सेंटर लाइन है। जैसा कि यहाँ पे इस ड्राइंग में हमारे पास ये सेंटर लाइन है ये, लेकिन अगर हम इसको इसी स्केल पे प्रिंट करते हैं
इसी स्केल पे, तो ये हमें नजर नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर ये हम लेआउट में इसको देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं कि अब ये लाइन टाइप को प्रॉपरली रिसाइज कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मॉडल स्पेस में मैंने आपको कहा कि अगर हम यहीं पे इसी साइज में इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, फर्ज करें इसका स्केल फैक्टर जो है वो 1/30 है, कि एक यूनिट जो है वो आपके पेपर का और 30 यूनिट आपके मॉडल स्पेस के, आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए अब लाइन टाइप हमने ठीक करनी है, तो हमारे पास एक सिस्टम वेरिएबल है LTS, ठीक है, ये आपने कमांड लाइन पे लिखना है और इसको एंटर कर देना है, तो वो पूछेगा एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। तो अब हम फर्ज करते हैं हम इसको 30 में प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो 30 हम यहाँ पर देकर और एंटर करेंगे। आप नोट कीजिएगा आपकी ये जो सेंटर लाइन है ये तब्दील हो जाएगी, प्रॉपरली नजर आनी शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं आप, जैसे मैंने एंटर किया आपकी लाइन टाइप जो है वो अपने प्रॉपर स्केल पे आ गई। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे जरा इसका लेआउट पे, अब यहाँ पे ये नजर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हमने उसकी स्केल तब्दील कर दी है, उसकी स्केल बड़ी कर दी है। यहाँ पे हम अगर 1/1 पे इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये तो देखे ना पूरी ड्राइंग हम प्रिंट करना चाह रहे थे, अब अगर हम इस स्केल में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो दोबारा हम इसको 1/1 पे लेके आएंगे, यानी हमारा स्केल फैक्टर 1 होगा, कि जितनी ये है उतना ही प्रिंट निकालना है। तो इसको 1/1 बोलेंगे कि 1 प्रिंटेड यूनिट और 1 मॉडल स्पेस यूनिट या लेआउट यूनिट। तो हम यहाँ पे LTS दोबारा लिखते हैं, वो पूछेगा स्केल, हम कहते हैं 1/1 जितनी है उतनी, और हम इसको एंटर कर देंगे तो वो यहाँ पे हमारी लाइन को जो है वो प्रॉपरली शो कर देगा। तो ये था स्टूडेंट्स लाइन टाइप को प्रॉपरली रिसाइज करना प्रिंट के प्रिंट की रूप से।